जय हिंद साथियों, वारोपी टू एरियर्स की दूसरी किस्त मिलना हो गया है शुरू। 6 अगस्त महारैली की कैसी है तैयारी? एरियर्स भुगतान पर स्पर्श का क्या है जवाब? रामलीला मैदान से पुलिस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है? पूरी जानकारी लेते हैं इस वीडियो के माध्यम। चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की घंटी जरूर। तो चलो शुरू करते। जैसे कि हमें पता है दोस्तों कि ओआरओपी टू एरियल्स का भुगतान होना शुरू हो गया। स्पर्श से ये कंफर्म हुआ है कि भुगतान होना शुरू हो गया। कई लोगों के फीडबैक भी मिले हैं, मिल भी गया है। तो आपको यदि नहीं मिला है तो ये 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच का इसका समय है। इसके बीच में सभी को एरियर्स का भुगतान मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो शेड्यूल है एरियर्स भुगतान का वो रहेगा 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का। और उसके बाद लास्ट जो बताया गया था 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी 2024 तक का शेड्यूल दिया गया है। और अब ये अलर्ट जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये उन लोगों के लिए है जिनका लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र ड्यू था जुलाई 2023 में। तो उनसे इन्होंने अनुरोध किया है कि वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र को 20 अगस्त 2023 से पहले पहले अपलोड कर दें पोर्टल पे, ताकि अगस्त महीने की पेंशन में कोई रुकावट ना हो। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जैसे कि हमें पता है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने 6 अगस्त 2023 की महारैली कॉल की गई, तो उसके अंदर क्या अपडेट दे रखा है वो जानते हैं। 6 अगस्त महारैली वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के द्वारा ये एक पोस्ट की गई है जिसमें उन्होंने लिखा कि आंदोलन 6 अगस्त 2023 रामलीला मैदान दिल्ली के पूर्व सैनिकों के साथ रणनीतिक बैठक के बाद विशेष अपील की गई है। उसमें लिखा है कि आप सभी सम्मानित सदस्यों प्रतिनिधियों से अपील है कि अपनी उपस्थित योगदान मार्गदर्शन से 6 अगस्त 2023 रामलीला मैदान को ऐतिहासिक बनाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस निर्णायक आम सभा में अपनी उपस्थित सुनिश्चित कर ले। दोस्तों निवेदक संयोजक श्री वीर बहादुर सिंह चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के द्वारा ये 6 अगस्त के लिए कॉल किए गए। तो इसके अंदर अब बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं। जैसे हम लोग सभी जानते हैं हमारे जो पूर्व सैनिक रह चुके हैं श्री अन्ना हजारी जी, जो कि एक समाज सेवी है, उनका यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर उनको बुलाया गया है, ये उन्होंने डाला हुआ है। जिसके अलावा श्री योगेंद्र यादव जो परमवीर चक्र है वो आ रहे हैं। श्रीमती विनीता बिष्ट जी जो कि जिनके पति श्री नरेंद्र सिंह जी को मरणोपरांत अशोक चक्र मिला है वो भी इसमें आ रहे हैं। और यहाँ पर 1,00,000 पूर्व सैनिकों का आना तय किया गया है। और इसमें आने के लिए जो स्थान है रामलीला मैदान है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लाखों की संख्या में 6 अगस्त 2023 को सुबह 9 बजे अगस्त क्रांति के लिए रामलीला मैदान नई दिल्ली पहुंचे हैं। मुद्दे उस पर रहेंगे, वो आरोपी विसंगतियों पर है और पूर्व सैनिकों के जैसे जवान के साथ हो रहे सभी तरह के भेदभाव को दूर किया जाए। और इसमें आप मोबाइल नंबर जैसे देख पा रहे हैं ये भी दिए गए हैं, यदि आप यहाँ भाग ले रहे हैं तो इन मोबाइल नंबरों में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसलिए ये जानकारी आपके लिए साझा की है। अब रामलीला मैदान के लिए पहले तो पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी होता है, जो कि इन्होंने 1 अगस्त को डाला हुआ था। ये पुलिस वेरिफिकेशन किया था वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से और इसका रिप्लाई आ गया जिसमें दे दिया है उन्होंने, इसको परमिशन इसमें मिल चुकी है। दोस्तों ये परमिशन लेटर है डिप्टी कमिश्नर फॉर पुलिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के द्वारा, ये यहाँ पर परमिशन मिल चुकी है। तो सभी से इनने अनुरोध किया है कि मैक्सिमम जो पूर्व सैनिक हैं इसमें हिस्सा लें, सरकार पर इसका दबाव बने और वह आने वाले समय में जो भी ओआरओपी विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए एक अच्छा सा कदम पूर्व सैनिकों के हित में उठाएं। दोस्तों इसका मकसद यही है। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। जानकारी आपको ठीक लगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।